आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर हेमा के साथ। गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 के चवर एक अज्ञात युवती का शव जलता हुआ बरामद किया गया। वहीं शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल हथुआ थाना पुलिस को दे दी। सूचना पाकर थाने के पुलिस मौके पर पहुंच गई और अधजली शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि रोज की तरह कुछ लोग अपने खेत की तरफ गए थे। इसी दौरान बीच चवर से धुआं निकलते हुए देख पास जाकर देखा तो एक युवती का शव जल रहा था, जिसका आधा हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था। जलता हुआ युवती के शव मिलने की सूचना जैसे ही आसपास के इलाके में हुई, वैसे ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। अधजली शव को देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल हथुआ पुलिस को दे दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया है। हालांकि युवती की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। इस संदर्भ में हथुआ थाना अध्यक्ष ने बताया है कि अधजली शव को बरामद किया गया है। शव एक लड़की का है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बड़ी कोरेली गांव के चौर में एक सूचना मिली थी कि एक महिला की अधजली लाश यहां पर पड़ी हुई है और ग्रामीणों के द्वारा भीड़ लगाया गया है। जैसे ही हमको सूचना मिली है, वैसे ही हथुआ थाना को हमने यहाँ स्थल पर भेजा है, जिसके उपरांत पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। साथ ही साथ वैज्ञानिक अनुसंधान भी हम लोग जारी रखेंगे, टेक्निकल और मानवीय आधार पर भी इसका अनुसंधान जारी रखेंगे।